क्योंकि मेरा बेटा भी गुजर गया ना, तो फिर मुझे याद आती है। बेटा गुजर गया, ये क्या वाकया है, तो आपने हमें बताया। मेरा एक बेटा भी ये पहले से फोत हो गया ना, 2 साल का था वो। अच्छा, 2 साल का था, क्या हुआ था? बस यही मियाँ मेरा ले जाता था, 2-2 महीने ना उसको मेरे से जुदा करके ले गया था। पहला शोर जी कहाँ लेके जाता था? अपनी अम्मी गाँव में। अच्छा जी, तो बच्चे को क्या हुआ था? बच्चे को बीमार था वो, मेरे से जुदा किया उसने 2 महीने, तो उधर जाके उसकी डेथ हो गई थी। डा की डेथ, माँ से दूर जी। इतनी चीज़ें हैं, हम कैसे बर्दाश्त करते हैं? पता नहीं क्या है इन्होंने, बचपन मुश्किलात में जी, 5 क्लास छोड़ के घरों के काम करने शुरू कर दिए, फिर बच्चे की डेथ हो गई, हस्बैंड कैसे इतना कुछ बर्दाश्त कर लिया? करना पड़ता है, फिर क्या करूँ। जिंदगी में कोई एक बात जो बहुत रुलाती हो हर किसी की जिंदगी में, मेरी जिंदगी में कैसे याद है, एक याद होती है जो आपको बहुत रुलाती है, बहुत तकलीफ देती है, कोई ऐसी बात जो जिसपे आप सोचते ही आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। यही है बेटा के मेरे सामने नहीं उसकी डेथ हुई, वो उधर जाके उसकी गांव में डेथ हुई है, पता नहीं कैसे वो फोत हुआ, कैसे नहीं हुआ। कैसे पता चला था आपको? उन्होंने बस लड़ाइयों झगड़ों में फ़ोन किया कि आपका बेटा फोत हुआ। लेकर गए थे आप, पीछे नहीं गई? हाँ जी पीछे नहीं गई। नहीं आपने फोन नहीं किया किधर है मेरा बेटा, किधर? नहीं दरअसल लड़ाइयाँ थी ना, लड़ाइयाँ झगड़े थे, तो इधर मुझे मार के गया था कि कैसे ये किया, ये कैसे अंदर आग लगा दी थी उसने। अनम क्या लड़ाई हुई थी आपके उस दिन? लड़ाई इस बात की हुई है कि हम उधर से गांव से आए हैं अच्छे खासे, और बच्चा बीमार था मेरा छोटा, उसका नाम हमदान अली था, और वो मेरी बाजी ने देखा है, उसको कहा कि अनम तुम जल्दी से इसको ले जाओ। मैं इसी वाला अस्पताल में लेके गई हूँ, उन्होंने कहा है इसको घर ले जो, ड्रिपें वगैरह लगाई हैं। मैंने अपने हस्बैंड से बात की, मैंने कहा वकार इसको ना उधर ले जाओ। नहीं नहीं इसको मैं गांव में लेके जाता हूँ, सही हो जाएगा, ऐसे फलां ऐसे, बस ये बात हुई है। इतनी सी बात पढ़ाई, इतनी सी बात भी हुई है, तो उसने मेरा गला दबार दिया है, और मुझे ईंटें मारी हैं, मेरे ऊपर चढ़ गया, तो फिर दरवाज़ा बंद किया, मैं बाहर को आती थी, वो मुझे अंदर से खींचता था, तो मोहल्ले वालों ने आके दरवाज़ा खोला, वो जब मेरा बेटा आखिरी सांस ले रहा था, तो उन्होंने बच्चे को नहीं देखा, मुझे देखा कि इसकी हालत देखो, इसको पहले ले जाओ। 15 पे कॉल की है, मेरे बहन भाई आ गए, तो उतनी देर ये भाग गया था बच्चे लेके, दोनों बच्चे भाग, और वहाँ जाके बच्चे की डेथ हो गई। वहाँ एक रात रहा, बड़े ने मुझे बताया, मामा जी हमदान की रात को सारी रात तबीयत खराब रही है, पापा कहीं भी नहीं लेके गए, और रास्ते में डेथ हो गई है।